प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के ऑनलाइन का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की कॉमन क्लास जो है हम पढ़ेंगे अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत। अधिगम हेतु आकलन के अंदर हमें जो नई की स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, वो है विषय आधारित अधिगम का आकलन। हमारे विषय के आधार पर हमें उसका मूल्यांकन करना है कि हमें किस प्रकार के मूल्यांकन के माध्यम से हम अपने शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि रचनावादियों के अनुसार या विषय आधारित अधिगम के आधार पर मूल्यांकन की जो विधियां है वो तीन प्रकार की है। पहली दी थी अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान, अध्ययन की प्रक्रिया और पाठ्य अनुदेशन। उस पाठ्य अनुदेशन के आधार पर तीन ही प्रक्रिया को ध्यान रखते हुए हमारा जो पहली जो है वो है अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान। उस पूर्ण ध्यान के बताया गया था कि अधिगम की परिस्थितियों के आधार पर या परिस्थितियों के निर्माण के लिए विद्यार्थियों में जो आकर्षण जो केंद्र है, मतलब विद्यार्थी को इस अधिगम के प्रति कैसे केंद्रित किया जाएगा, उसके उपाय के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने उपाय हमने पिछले वीडियो में जब 5 तक पढ़ लिए थे, तो वो था कि अधिगम के लिए रुचि विकसित करना या अधिगम के लिए प्रेरणा की व्यवस्था करना, तो हमने पढ़ा था उसके पिछले वीडियो में। तो अधिगम के लिए प्रेरणा की व्यवस्था हम बताया था कि अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम के लिए प्रेरणा की व्यवस्था करना बहुत ही एक आवश्यक तत्व माना गया था। जैसे मैंने कहा था कि जो विद्यार्थी पढ़ना नहीं जानते वे पढ़ने की कोशिश कर, जो पढ़ रहे हैं उनको एक शिक्षक उसको फाड़ देगी या पुरस्कार देगी, उसका सम्मान आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन करना है। तो जो विद्यार्थी के लिए पढ़ते थे वो भी आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको उसको विद्यार्थी को उस चीज़ को प्राप्त करना है, जिसको उस पुरस्कार जिससे विद्यार्थी का पूरा ध्यान उस अधिगम गतिविधि के द्वारा पूरा ध्यान पूरा फोकस उस अध्यापक के पढ़ाए जाने वाले इकाई पर पूरा ध्यान देना। तो उसी क्रम को आगे बढ़ा तो हम बढ़ेंगे, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। इसका छठा पर पढ़ेंगे, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना। तो छठा पर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना क्या होता है? निर्माण करना चाहिए, मतलब निर्माण करना अधिगम का, इसका सीखने के लिए किस प्रकार निर्माण करता है। तो उसे बताया गया कि एक अध्यापक को उस विद्यार्थी के प्रति सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अध्यापक को अपने अध्यापक को अपने उस पाठ्य वस्तु के आधार पर उस इकाई की पाठ्य तैयार करनी चाहिए जिसको विद्यार्थी सरल भाषा में समझ सके। कहने का मतलब है कि एक अध्यापक द्वारा कोई भी शिक्षण कार्य करने से पहले उसे अपने शिक्षण को एक बार रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से मतलब विद्यार्थी के अंदर वो समझने की क्रिया का विकास कर सके, उसका निर्माण कर सके। तो अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले शिक्षक को उस विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, अगर हिंदी पढ़ना है तो स्वर व्यंजनों का निर्माण करना बताना चाहिए कि ये कौन सा वर्ण है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब विद्यार्थी पढ़ने आता है तो उसको सबसे पहले अध्यापक उन वर्णों के बारे में, उन स्वरों के बारे में ज्ञान देता है, बताते हैं कि इसी के माध्यम से हम अपने कोई भी शिक्षण कार्य या कोई भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो निर्माण से हमारे स्वर व्यंजन, अर्थात शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को सबसे पहले किताब पढ़ने के लिए स्वर व्यंजनों के बारे में ज्ञान अध्ययन करवाया जाएगा। फिर शिक्षक के द्वारा
द्वारा ही विद्यार्थी को पूछे जाने पर विद्यार्थी उसे स्वर व्यंजन को पढ़ता है। जैसे आ ई जो भी पढ़ते हैं, जो हमारा स्वर व्यंजन कभी है उसको पढ़ते हैं। इस स्थिति में विद्यार्थी स्वर के साथ साथ व्यंजनों को पढ़ना सीख लेता है, क्योंकि अध्यापक का क्या उसको सार है, वो स्वर स्वर को स्वर के वर्णों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो विद्यार्थी स्वर के वर्णों के साथ साथ व्यंजन के वर्णों को भी पढ़ना सीख लेता है। इस प्रकार शिक्षक को विद्यार्थी से अधिकतम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए विद्यार्थियों में हमेशा अध्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसको अध्ययन करवाना चाहिए, कि ये चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा जीवन में बार बार वो दोहराते पड़ते हैं। हम पढ़ रहे जैसे बी एड पढ़ रहे हैं, तो बी एड के अंदर भी संस्कृत ऐसा विषय है जिसके अंदर आज भी हमें स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ना पड़ता है। हिंदी भी सी बी एस ई जहाँ पे स्वर व्यंजन के वर्णों के बारे में, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उन सभी के बारे में सर्व और प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या वर्ण और स्वर गणित है, व्यंजन के बारे में बताएंगे। तो कहने मना है कि एक अध्यापक को अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसको परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसके बारे में बालक अभी जानता नहीं, उस बालक को उस परिस्थिति से अवगत कराना चाहिए। फिर उसके बाद अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य के अंदर जो कार्य दिया गया था वह उसे पूछना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उस क्रिया के प्रति क्रिया करने लगे। तो कहने का मतलब है कि जैसा अध्यापक पढ़ाना चाहता है वैसा विद्यार्थी पढ़ना के लिए कोशिश करता है। तो हमेशा उस अध्यापक के द्वारा जो भी गतिविधि की है उसका हमेशा विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में, रुचि के साथ में और जिज्ञासा साथ में हमें अपने पाठ्यक्रम और पाठ्य इकाई और पाठ्य वस्तु के बारे में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में अध्ययन करना चाहिए। और अलग अलग पॉइंट पढ़े तो अगला पॉइंट आता है कि योग्यता के अनुसार अधिगम में आत्मविश्वास जागृत करना। कौन सा है योग्यता के अनुसार जब भी कोई शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है तो उसकी एक विद्यार्थी को आयु स्तर को ध्यान रखना पड़ता है कि ये विद्यार्थी किस लेवल तक है, किस आयु तक है और कौन सा शिक्षण इसके लिए उपयोगी होगा। वो अध्यापक को सबसे पहला मूल्यांकन हुआ है कि अध्यापक को देखना चाहिए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के लिए वो विद्यार्थी तैयार है या नहीं है, क्योंकि उस शिक्षण के लिए उसकी आयु का निर्धारण मानसिक आयु, शारीरिक आयु, संविदात्मक आयु के बारे में पूर्ण रूप से जानने के लिए परिपक्व स्थिति होनी चाहिए। परिपक्व स्थिति नहीं है तो उसके उसी के अनुसार अधिगम कराना चाहिए। तो इसके अंतर्गत इस योग्यता के अनुसार अधिगम में आत्मविश्वास को जाहिर करने के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत एक शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है कि विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें कि ये इस योग्यता के अनुसार है या नहीं है। फिर उस अध्यापक के द्वारा उन योग्यता के अनुसार शिक्षक को अधिकतम गतिविधियों एवं प्रकरण इकाइयों उपलब्ध कराना चाहिए, इकाई के बारे में उपलब्ध कराना चाहिए कि हमें कौन सा प्रकरण किस विषय के अंदर और कौन सी इकाई के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरी योग्यता उपलब्ध कराना चाहिए जिससे विद्यार्थियों का पूर्ण ध्यान उस अधिगम गतिविधि की और केंद्रित हो जो अध्यापक पढ़ाना चाहता है। क्योंकि अध्यापक जब कोई भी शिक्षण कार्य पढ़ाना चाहता है तो उसका पूरा ध्यान विद्यार्थी का उस शिक्षण कार्य को होना चाहिए और अध्यापक को ध्यान रखना। जब भी कोई शिक्षण कार्य करवाते हैं तो अध्यापक का उस विद्यार्थी के प्रति हमेशा फोकस होना चाहिए कौन सा विद्यार्थी पढ़ रहा और कौन सा नहीं पढ़ रहा।
ये अध्यापक के अंदर भी गुण होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों में प्रत्येक कक्षा कक्ष के क्योंकि विद्यार्थियों के प्रत्येक कक्षा कक्ष के कार्यों को सीखने के लिए रुचि को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि जागरण होता है क्योंकि वो हमेशा एक कक्षा में अंदर रहकर अगले कक्षा में हमेशा आगे आगे बढ़ता रहता है। तो आगे बढ़ने के लिए अध्यापक द्वारा जो भी शिक्षण कार्य गतिविधियाँ आत्मसमर्पण जागृत है वो हमेशा हमारे जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि उस कार्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास बना रहना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को हमेशा आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो। तो ये अध्यापक चाहता है कि एक विद्यार्थी मेरे द्वारा हमेशा ऐसे बात को सीखे जो जीवन में कहीं भी न अटके हमेशा जीवन के लिए कोई ना कोई अवसर हमें जो अवसर सफलता की ओर ले जाता है वो स्टूडेंट और विद्यार्थी हमेशा उस अध्यापक को याद करेगा, क्योंकि उस अध्यापक के द्वारा क्या मैंने मार्गदर्शन मिला है। उस मार्गदर्शन के अनुसार विद्यार्थी हमेशा अपनी क्रिया के प्रति, अपने पाठ्यक्रम के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति, अपने सीखने के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आज के लिए आप इतने ही पढ़ते हैं, हम और नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।